They say that success takes time, patience, and hard work. And here I have a guest with me, Ayushi Gupta, who has shown all these traits and succeeded in this exam. She got 99.72 percentile in the UGC NET for commerce subject. I would like to welcome her and congratulate her on her success. So hello, Ayushi. Thank you so much, ma'am. Hello, ma'am. Hello. So tell us something about yourself, about your qualification and the courses that you took before your UGC NET. Ma'am, my master's in commerce and graduation in commerce, obviously. And I pursuing now master's in economics and the bachelor's in education. Very nice. So you have planned for both the things, your B.Ed exam and your master's exam as well. यस मैम, टीचिंग के साथ स्कूल वाली टीचिंग एंड टीचिंग जो टीचिंग होती है, तो मेरा ऐसा नहीं था कि मैं ओनली कॉलेज टीचिंग करूँ. तो मेरा ये था टीचिंग में जाना है, कॉमर्स टीचिंग में जाना है, तो बीएड भी करा और ये वाला भी, दोनों फील्ड मैंने साथ में रखा. अच्छा अच्छा, वेरी नाइस. सो आयुषी, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, व्हेन डिड यू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन? मैम, मैंने प्रिपरेशन मास्टर्स के फोर्थ सेम के बाद स्टार्ट कर दी थी. जब मेरे फोर्थ सेम के मैंने एग्जाम दिए थे, तब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी. अच्छा अच्छा, सो इट मस्ट बी अ ग्रेट प्लेजर टू यू कि आपने इतनी बार ट्राई किया, यू गेव योर अटेम्प्ट 5 times एंड यू फाइनली सक्सीडेड. इट मस्ट बी गिविंग यू अ ग्रेट प्लेजर कि आपकी विल पावर ने आपको सक्सेस दिलाई. यस मैम, इट्स माय 5th अटेम्प्ट एंड हर बार नेट निकल जाता था, बट जेआरएफ नहीं हो पाता था, तो बट मैं देती रही, तो क्विट नहीं किया. Great, मतलब hats off to your willpower and hats off to your that will that kept you going कि नहीं, मुझे तो exam देना ही देना है, clear करना ही करना है, चाहे कितना भी time लग जाए. Yes ma'am, thank you for compliment. ये था कि हाँ, ये तो निकालना तो है ही, मेरा ये था कभी तो निकलेगा ही. Exactly. So what books did you refer? What study material that you went through for this exam? मैम, फोर्थ पेपर के लिए जो पियर्सन पब्लिकेशन है या अरिहंत है, ऑक्सफोर्ड है, बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं, बट मैंने पियर्सन पब्लिकेशन पढ़ा था और कुछ टॉपिक्स मैंने अरिहंत और ऑक्सफोर्ड में से लिए थे. एंड बाकी मैंने जो आप लोगों का जो वीडियो का जो 5 जो क्वेश्चन थे या जो कुछ मैटर था, वो मैंने देखा था, बहुत हेल्प किया था, क्योंकि उससे मुझे कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए बहुत सही लगा था. जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर बात करूँ, तो मुझे शायद अच्छे से रिसर्च तभी समझ आया जब मैंने आप लोगों के जो वो टॉपिक्स देखे कि हाँ, वो एप्लीकेशन कैसे करना है. पहले शायद मुझे ऐसे होता था कि पहले मुझे डेफिनेशन का केवल पता हो कि ठीक है ये है, बट एप्लीकेशन करना नहीं आता था कि उन्हें अप्लाई कैसे करना है, तो मैंने वो सब सीखा. और सेकंड पेपर के लिए मैम, मैंने यूजी पीजी की जो मेरी बुक्स थी वही पढ़ी थी, और कुछ स्पेसिफिक राइटर जो आप फिलिप कॉटलर है और आपका जो साइट पे से ऑथेंटिक जो साइट होती है, वहां से कुछ मटेरियल लेना. तो आप कह रहे हैं कि आपने यूजी पीजी की बुक्स को रिवाइज किया एंड यू गॉट टू नो द एप्लीकेटिव पार्ट फ्रॉम आवर चैनल की, उसकी जो शुभम सर की वीडियोस रहती हैं, जो उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, वहां से यू टुक इट फॉरवर्ड. यस मैम, बिकॉज एनटीए पेपर ऐसा बनाने लग गया कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछते नहीं है कि आप इसका आंसर दे दीजिए, वो तो बहुत ही 10-20% ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस पे होते हैं, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप जाने की, क्योंकि पढ़ना और उसे अप्लाई करना बहुत, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है. आपको आता सब कुछ है, लेकिन आप उसे एग्जाम टाइम पे कैसे अप्लाई कर पाते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करें जिसके अंदर एप्लीकेशन बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू हो, इसलिए जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी बहुत सही. तो आप शिवम सर की वीडियोस रेफर करते थे 5 questions वाली, ताकि आपको कंसेप्चुअल. Exactly. Yes, ma'am. Daily में वो वीडियो देखती थी. Daily. अच्छा अच्छा. Daily आप देखते थे. Very nice. Yes, ma'am. Very nice. So next question would be, what was your routine? Because you said you are also doing your masters, you were doing your B.Ed simultaneously. तो आपका routine क्या रहता था कि आप कितने घंटे dedicate करते थे? क्या आपकी strategy रही पूरे इस process में? Ma'am, घंटे तो पर्सनली मैंने शायद कभी काउंट नहीं किए कि मैं कितने घंटे पढ़ ली आज या मेरे को कितने घंटे पढ़ना है. मैं टॉपिक्स शेड्यूल करती थी कि मुझे आज इस यूनिट के अंदर से ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं. मैं उसको एक अपनी किसी भी नोटबुक में लिख लेती थी कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, या मैं किस पूरे 7 days का प्लान बना लेती थी या 10 days का, ऐसे कुछ भी कर लेती थी.
देन मैं कोशिश करती थी कि कुछ भी हो जाए 100% ना तो मैं 80-90-60-70% तो उस पर स्टिक रहो, मतलब इनमें से मुझे कंप्लीट तो करना ही है. मैंने 10 टॉपिक्स लिखे हैं तो मैं 7-8 टॉपिक्स को इनमें से कंप्लीट कर ही लूँ. बाकी घंटे या और मैंने कभी ना तो मैंने कभी देखे ना मैंने डिसाइड किया कि मुझे इतना पढ़ना ही है. कभी किसी दिन मैं 2 आवर में कंप्लीट कर लेती थी या 2 घंटे पढ़ती थी, किसी दिन मैं 4 पढ़ लेती थी, ऐसे एज ए सच कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं था. पर आपने अपनी तैयारी कंसिस्टेंटली करी इतने टाइम तक कि आपको कंसिस्टेंटली इतना आपने अगर नोट डाउन कर लिया है तो आपको वो कंप्लीट करके उठना है. मतलब दिस वाज योर स्ट्रेटेजी कि मुझे याद रहे कि मैंने कितना कंप्लीट कर लिया है, क्या मुझे टॉपिक्स कवर करने हैं. यस मैम, और उससे मेरे माइंड में एटलीस्ट ये रहता था कि मेरा इतना हो गया, इतना बच रहा है, मेरे पास एक प्लान रेडी रहता था कि नहीं और आज मेरा ये हो गया तो मुझे कल क्या करना है. बिकॉज आई थिंक आप मॉर्निंग में जब उठते हो तो यदि आपके पास उठने के पीछे कोई प्लान नहीं है कि आपको पूरा दिन करना क्या है तो फिर वेस्ट है आपका डे पूरा. एटलीस्ट आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आज आपको ये करना है, आज आप मतलब आपका गोल क्या है आज के दिन का, तो वो होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. तो मतलब स्ट्रेटेजिक तरीके से बच्चे को प्लानिंग करनी चाहिए कि मुझे इतना पढ़ना है, घंटे वो नहीं देखे, बस क्वालिटी देखे. यस मैम, और क्वालिटी बहुत डिपेंड करता है कि आप मान लो आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, आप उसके अंदर से कुछ काम का नहीं पढ़ रहे, सब वेस्ट है, तो आप क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी है वो बहुत ही जरूरी है. बहुत जरूरी है कि आप मतलब तभी आपको सक्सेस मिलेगी व्हेन यू नो कि आपको क्या क्या पढ़ना है और आप अपना एक शेड्यूल बना के चले एंड तक भी. yes, कि आप शेड्यूलिंग करके चले, नोट डाउन करके yes, चले, ये तो बहुत yes, मैं तो नोट डाउन करती हूं. बिल्कुल, बच्चों के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस है आपकी कि स्ट्रेटेजिक तरीके से आपको तैयारी करनी है, टाइम टेबल बना के, रूटीन बना के तैयारी करनी है. यस मैम, बिकॉज सिलेबस इज सो वास्ट, तो आपको जरूरी हो जाता है कि आप प्लान के साथ काम करें, तो आपको हैट्रिक नहीं होगा कुछ भी कि आप 1 मंथ के अंदर पूरा सिलेबस. इवन यदि आप एक स्ट्रेटेजी के साथ प्लान करते हैं तो आप 1 मंथ में भी नेट निकाल सकते हैं. मैंने जब फर्स्ट टाइम दिया था तो मेरा मैंने 1 मंथ में ही नेट निकाला था, मुझे उससे पहले कुछ नहीं पता था, बट तब मैंने 1 मंथ बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटेजिक प्लान करके पढ़ाई करी तो हो जाता है. हालांकि तब मेरा GRF नहीं हुआ था, बट मेरे अकॉर्डिंग जो और भी ज्यादा अच्छे होंगे तो वो तो GRF भी निकाल सकते हैं, स्ट्रेटेजी आपकी बहुत बेटर होनी चाहिए. सही सही, आप क्या बिल्कुल एकदम स्ट्रेटेजिक तरीके से आपको ने तैयारी करी और आपको सक्सेस मिली भी. So Ayushi, yes, my next question is कि what were the difficulties during this exam? क्योंकि आपने मुझे बताया कि आपके जो students थे आपके साथ में पढ़ रहे थे वो भी इस exam के बारे में उन्हें भी ज्यादा knowledge थी नहीं, और आप साथ साथ में B.Ed भी prepare कर रही थी, plus COVID pandemic की वजह से भी एक negativity बहुत ज्यादा हो गई थी, तो आपने कैसे सारी difficulties को क्या क्या difficulties face करी और कैसे उनको counter किया? मैम difficulties तो एक तो ये थी कि जैसे जो मेरा कॉलेज है, मैं लोकल कॉलेज से RU कैंपस से है मेरा, तो हमारे यहाँ इतना ऐसा कुछ नहीं था कि आपको बहुत ज्यादा कोई गाइड करेगा, तो उसके अंदर ये था कि इतना अच्छा वो नहीं था. फिर बाद में मैंने YouTube स्क्रॉल किया या गूगल किया तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कुछ ऑथेंटिक जैसे आपका चैनल भी मिला, तो बहुत मुझे उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली. और डिफिकल्टी मैम थोड़ा ये था कि मेरा GRF नहीं निकल पा रहा था, तो मुझे एक पॉइंट पे जाके फील हो गया, बट मेरे को फिर जैसे फैमिली ने बोला नहीं एक बार और दे, मतलब ठीक है आप ट्राई करते रहो. मम्मी ने बोला, मेरे और फैमिली ने बोला, फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं ठीक है आप दे. तो एक फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट और एक आपकी विल पावर और एक ये जो आप यूट्यूब से आपको गाइडेंस मिलती रही, तीनों चीजें. यस मैम, और फैमिली ने जैसे कभी मेरी फैमिली ने कभी ऐसे नहीं बोला कि नहीं ठीक है अब दे लिया, अभी अब नहीं हो गया अब नहीं, तो मतलब हमेशा बोला कि नहीं पढ़ते रहो, ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड. Yes, ma'am. Okay. So, Ayushi, my next question would be that what are your future plans with after clearing this exam? What are your future plans? Future plan, ma'am. Future plan ये है कि teaching या PhD तो मैं अभी scroll मतलब explore करना चाहूँगी कि मेरे को interest किस में है. Then उसके बाद teaching मेरे मैं already करती थी, मैंने एक institute में एक college में पढ़ाया हुआ है already. Then मैं वापस सोच रही हूँ कि मैं join करूँ next session से. और उसके बाद में जब मेरा एक्सप्लोरेशन कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ मुझे इस फील्ड में PhD करनी है, देन आई गो विल गो फॉर PhD. वेरी नाइस. तो सब आपके दिमाग में सॉर्टेड है कि मेरा एक प्लान ये है, दूसरा प्लान ये है, यू हैव मेड योर माइंड. मैम एक्चुअली बैकअप, मेरे अकॉर्डिंग बैकअप प्लान जरूरी होता है, कंपल्सरी है, बिकॉज आज के टाइम में जरूरी नहीं है कि हमने सोचा है वो मिल ही जाए,
बहुत अच्छा होता है कि मिल जाए, बट एटलीस्ट यदि आपके पास बैकअप प्लान होता है तो आपके पास एक माइंड आपका ऐसा नहीं होता कि आप एकदम डिप्रेस हो गए या कुछ, आपके माइंड में रहता है ठीक है ये ना हुआ तो कुछ और है हमारे पास। मेरे अकॉर्डिंग ये वाली स्ट्रेटेजी, इतनी यंग एज में आपका ये सोच पाना और लाइफ को ऐसे एक्सेप्ट कर रहा, दैट इज वेरी कमेंडेबल और बहुत लोग बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी एडवाइस है कि खुश रहना एंड स्ट्रेटेजिक तैयारी करना इज वेरी इम्पोर्टेंट। कंपलसरी मैंने खुद पर्सनली ये फील किया है जब मैं एग्जाम देने जाती थी, जैसे जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने तब मैंने 1 मंथ ही पढ़ाई करी थी तो मेरा बहुत ही अच्छे परसेंट से 60% मेरे मार्क्स थे उस टाइम मेरे फर्स्ट टाइम में। बट उस टाइम हालांकि मेरा जेआरएफ नहीं हुआ था, एकदम मैं फ्री माइंड से गई थी, मेरा ये था कि ठीक है होगा तो बहुत ही अच्छा है, नहीं होगा तो कोई ना देखेंगे। बट जब मैं एग्जाम ये सोच के देने जाने लगी कि नहीं अब तो मेरा होना ही चाहिए, नेट निकल गया जेआरएफ तो इस बार निकलना ही चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग आप पढ़ाई पूरी 100% करो, हमेशा करो, बट माइंड ऐसे फ्री रखो कि आपका हो नहीं हो कुछ और अच्छा होगा। आपको आपकी जो डूइंग है, आपको जो पढ़ाई तो 100% करनी चाहिए, बट ठीक है रिजल्ट क्या होगा वो गॉड के ऊपर या जो भी आपका होगा उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। हाँ जी, तो आप कह रहे हैं कि आप बस अपना काम पे ध्यान दीजिए कि आपका पढ़ाई करना इज योर वर्क एंड यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिजल्ट। यस मैम, रिजल्ट पे कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि और फिर जैसे इस बार मेरा ये था कि ठीक है नहीं देखते हैं ना नॉलेज बढ़ेगी अपनी, मैंने ठीक है अपन ठीक है ट्राई करते हैं तो बस ठीक है इस बार निकल गया, क्विट नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, रहना चाहिए पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, क्विट नहीं करना चाहिए और मतलब तब भी आपको सक्सेस मिलेगी जैसे आपको मिली है। यस मैम थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। सो माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी आयुषी, व्हाट इज योर एडवाइस फॉर आवर स्टूडेंट्स? मैम मेरी फर्स्ट एडवाइस तो ये है कि आप सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं लोगों के, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप 10 आवर पढ़ें 12 आवर पढ़ें या बहुत ही किसी प्रेस्टीजियस कॉलेज से बिलोंग करते हो या आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आप बस कंसिस्टेंटली एक ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो करें, एक चीज पे स्टिक रहें। ऑनलाइन भी बहुत सारे सोर्सेज और मटेरियल अवेलेबल है, मेरे अकॉर्डिंग एक या दो सोर्स पे स्टिक रहें जो कि बहुत ही बेहतरीन हो या बहुत ही अच्छे हो। पहले सबसे पहले ऑथेंटिसिटी देखें, लेवल देखें, क्योंकि आजकल इतना कंटेंट है कि उसको ये जज कर पाना कि हमारे लिए कौन सा बेटर है वो ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट, बहुत ही डिफिकल्टी है स्टूडेंट के लिए कि ये कौन सा सबसे अच्छा है। यदि आप सबको पढ़ने बैठ जाओगे तो आपका सिलेबस कभी कम्प्लीट ही नहीं होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग यही है। और स्मार्ट वर्क करें, लोड ना लें, माइंड फ्री रहें। थैंक यू वेरी मच आयुषी, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू, इट हैज बीन ग्रेट, माय ग्रेट प्लेजर कि आप आए हमारे साथ और आपने बच्चों को इतनी अच्छी एडवाइस दी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन हमारी पूरी टीम की तरफ से, अनु जिंदल टीम की तरफ से, और वी आर सो हैप्पी कि वी वर एबल टू हेल्प यू आउट विद योर प्रिपरेशन। ग्रेट प्लेजर की बच्चे जो हम बताते हैं, जैसे शुभम सर की जो वीडियोस थी जो भी उसमें वो बताते हैं, और आपने वो फॉलो करी और नाउ यू हैव दिस सक्सेस टू एंजॉय। यस मैम, एंड मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही मेरे को यहाँ के जो सारे टीचर्स हैं उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला कि जो टीचर्स को जो पढ़ाने का वे है और इनकी जो कंसेप्ट क्लियरिटी, तो मुझे उससे लगा कि मुझे भी इनके जैसा 10% तो एटलीस्ट अपने में कंसेप्ट क्लियरिटी लानी है, तो मुझे बहुत ही सही सीखने को मिला आप लोगों से, पूरी टीम से। मैं बहुत पूरा बहुत फॉलो करती हूँ इसे और बोलूंगी कि सब फॉलो करो, बहुत ही अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पर्सनली बोलना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। थैंक यू सो मच आयुषी, थैंक यू फॉर दिस कॉल, हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू मैम, थैंक यू।